अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो माय फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप विंडोज़ को कैसे 2x फास्टर कर सकते हो एंड गेम्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा FPS बूस्ट कर सकते हो एंड लैग रिड्यूस कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, अपने पीसी के अंदर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उसके ऊपर आपको गूगल पर चले जाना है। यहाँ पर आपको गूगल पर जाने के बाद सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है रेजर कोड टैग्स। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है। यहाँ पर रेजर कोड टैग्स टाइप करोगे, फर्स्ट वाला वेबसाइट मिलेगा, सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, जाकर इसको डाउनलोड कर लो। बहुत अच्छा ऐप है, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा एंड आपका FPS भी बूस्ट होगा एंड आपका PC काफ़ी फास्ट चलेगा। यहाँ पर सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ये है वो फाइल, राइट क्लिक ऑन इट एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन यस। यहाँ पर आपको वेट करना है, आपकी जो इंस्टॉलेशन वाला जो भी इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, कोई टेंशन नहीं यार, थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छा FPS बूस्ट होगा, बहुत ही PC स्मूथ भी चलेगा, थोड़ा सा वेट कर लो बस, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके भाई, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा रेजर कोर्टेक्स का इंस्टॉलेशन इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको फर्स्ट वाले को चेक करना है, दूसरे वाले को ना चेक करना, आपके लिए वो यूजेबल नहीं है। आपको फर्स्ट वाले को चेक करके सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। 237 MB, मतलब 237 MB की डाउनलोडिंग होगी एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यार डाउनलोड कर लो यार, खैर है कोई बात नहीं, FPS बूस्ट होगा, PC स्मूथ होगा, कोई टेंशन नहीं यार, 237 MB कुछ भी नहीं है, डाउनलोड करो एंड आगे का प्रोसीजर देखते हैं डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा रेजर कोर्टेक्स इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, बाकी इसके जो भी इंस्टॉलर था इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आप डिलीट करो ना करो आपका मामला है। बाकी यहाँ पर इसका आइकन भी डेस्कटॉप पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वेट करना है, आपका ये लोडिंग वोडिंग होगा, कोई नहीं होने दो, बाकी सॉरी यहाँ पर मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पर करना है लॉगिन, तो भाई आप लॉगिन कर लेना। तो चलो मैं लॉगिन करने के बाद मिलता हूँ। ओके, तो भाई मैंने इसे यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो भाई कुछ इस टाइप का, बाकी ये आपको इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हैं ये आपको बताएगा, आप इसे छोड़ दो, बाकी इसे क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर ऊपर बूस्ट देखेगा, बूस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बूस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसके फीचर्स के, ये अनेबल CPU कोर्स, डिसेबल CPU स्लीप मोड, टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट्स, अनेबल गेम पावर सॉल्यूशन, क्लियर क्लिप बोर्ड एंड क्लीन रैम। आपका ये रैम भी क्लीन करेगा एंड बहुत कुछ इसके अंदर फीचर्स हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, बूस्ट नाउ पे क्लिक कर लेना है। भाई बूस्ट नाउ पे क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देखना, आपका सारा काम ये कर देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 650 MB इसने रिलीज़ कर दिया मेमोरी रैम के अंदर से, हमारा रैम यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है, पहले से ज़्यादा मैंने आपको दिखाया नहीं। चलो कोई नहीं,
यहाँ पर इसने डिक्रीज कर दिया, आगे आप इसे रिस्टोर नाउ ना करना, ठीक है, दोबारा से ये फिर आपकी रैम को बढ़ा देगा जितना इसने रिलीज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप FPS पे जा सकते हो, FPS शो कर सकते हो अपनी गेम्स के अंदर। हाँ भाई, एक न्यू फीचर आया है इसके अंदर भाई, आप FPS शो कर सकते हो अपनी गेम्स के अंदर एंड FPS देख सकते हो भाई कितना FPS आ रहा है आपकी गेम्स के अंदर, इसे शो करके आप लोग देख सकते हो। बाकी ये बूस्टर प्राइम है, इसे छोड़ दो, और ये सिस्टम बूस्टर है, यहाँ पर इस पे चले जाओ, ठीक है। ऊपर ऊपर की तरफ देखो, एक तो गेम बूस्टर था ना, दूसरा सिस्टम बूस्टर। भाई सिस्टम बूस्टर पे क्लिक करो, देन नाउ आपको स्कैन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करते आपका ये इतना ज़्यादा जो भी मवाद है, स्टफ है आपके पीसी के अंदर, वो सारा ढूंढ कर क्लियर करेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे 148 MB जो है वो हमारा कैश निकला है, जंक फाइल्स निकली हैं, एंड यहाँ पर 43 MB को इसने ऑप्टिमाइज़ करना है। देन सॉरी मैंने यहाँ कहाँ क्लिक आके, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्टिमाइज़ है, ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर लेना है। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करते हैं, ये जंक फाइल्स क्लियर कर देगा एंड स्पीड अप कर देगा आपकी फाइल्स को। सो डन हो चुका है भाई साहब, डन हो चुका है सारा, इसने काम तमाम कर दिया है। सो सिंपली आपका PC ये करने के बाद बहुत बूस्ट हो जाएगा, गेम्स के अंदर FPS भी अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।